हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हैं निहाल व्लॉग्स। आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रहा, ना मेरी मम्मा कोई रेसिपी बना रही है। आज मैं आपके लिए छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने मुल्क के पाकिस्तान और ओवरसीज कंट्रीज के कॉइन्स दिखाऊँगा कलेक्शन, जो मेरे ग्रैंड फादर ने कलेक्ट की हुए। इसमें जो कॉइन्स कलेक्शन में जो कॉइन्स हैं उनमें 1947 से पहले के और उसके बाद के कुछ कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब वो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो मुझे दे चुके हैं पर्सनल तौर पर और अब वो मेरे हो चुके हैं। मैंने अपने ग्रैंडफादर से बोला था जब उन्होंने मेरे को दिखाए थे कॉइन्स, तो मुझे इतना शौक था। पहले मैंने भी मेरे अपने स्कूल से कुछ बच्चों से ख़रीदे थे, तो मैंने अपने दादा को वो दे दिए थे। तो उन्होंने फिर मैं जब थोड़ा सा मैं बड़ा हो चुका हूँ तो दादा ने मेरे को दे दिया कि अब तुम इसे संभालो। और बहुत सारे वो तकरीबन मेरे पास 450 करीब कॉइन्स हैं जब मैंने उसको गिना। तो आप देखें, मैं अब कॉइन्स आपको दिखाना शुरू करता हूँ। पहले हम जो अपना कंट्री हमारा मुल्क है पाकिस्तान, पहले मैं उसके दिखाऊंगा, फिर आपको ओवरसीज दिखाऊंगा। तो ये जो आप कॉइन देख रहे हैं, इतना बड़ा आपने कभी देखा है? देखें आप कितना बड़ा है ये। और ये आपका आया था 1995 में और ये 5 रुपये। और एक ये है, ये कॉइन ये भी पाकिस्तान का है। और ये जब आया था, जब हमारी जो हिजरी है, जो हमारा मजहबी जो साल है, जब वो हिजरी लगी थी 1401 हिजरी, ये तब का है। और आप देख सकते हैं अल हिजरा लिखा हुआ भी है इसके ऊपर। और ये देखें माशाल्लाह से। और ये तो आपको पता होगा, ये मेरी मम्मा अभी बताते हैं कि ये उनके दौर में भी थी। ये है 25 पैसा और ये है 1984 का। इसमें मैं अभी एक देख रहा था, ये वाला, ये जब का है? जब कायदे आजम की डेथ हो गई थी। ये है 1948 का और बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। ये देख सकते हैं आप, था इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, इसका सन लिखा हुआ है कब था। और एक ये है, ये अल्लामा इकबाल की योम पैदाइश के मौके पर लॉन्च हुआ था ये वाला। ये देखें 1877 से 1977 तक का ये है। ये देखें 1 रुपये। ये भी और भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये देखें ये वाले भी हैं मेरे पास, ये सिल्वर के आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये सिल्वर है। और ये देखें, इसको भी आप जानते होंगे, ये है 10 पैसे। डेट आप देख सकते हैं 19, इस पर लिखी हुई डेट 1990। और ये देखें 1 पैसा, कितने खूबसूरत से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, इतने प्यारे प्यारे से, मुझे तो ये बहुत पसंद हैं। और ये देखें ये वाला, देखें देखें कितने प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह। ये बहुत कम लोगों के पास हैं इतने सारे। देखें मेरे पास तो पाकिस्तान के सिर्फ इतने सारे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओवरसीज। आप इस वक्त अभी कॉइन्स देख रहे हैं, ये हैं इंडिया के। और ये वाला आई थिंक ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा, लेकिन ये तो 1982 का है। और अभी मेरे को एक और यहाँ का कॉइन दिखाए, जब इंडिया पर जॉर्जिया एम्पायर की हुकूमत थी। ये देखें जॉर्जिया किंग एम्पायर की, इसके ऊपर पिक्चर भी लगी हुई है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है 1901 आना है ये, और ये 1944 का है इंडिया का। और मेरे पास इंडिया के आप लोग देख सकते हैं कितने सारे हैं मेरे पास। ये देखें आई थिंक ये 1973 का है ये, और ये है 50 पैसा आए थे। और ये देखें ये नया नया सा है कुछ, ये देखें
2018 का है, क्योंकि अभी मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो इंडिया गए थे रिसेंटली, 2017 में आई थिंक गए थे या 18 में गए थे, 18 या 19 में मेरे दादा गए पाकिस्तान का, जब बॉर्डर खुले हुए थे तब, तो ये जब वहाँ से लाए, ये देखें 1944 तक का भी है मेरे को, तो मैंने अभी आज ही देखा है वो, ये देखें ये रहा। एक और 1968 का है ये, आज से तकरीबन बिना 60 साल, मैक्सिमम 60 साल या 50 साल ऐसे कुछ पुराना है, ये देखें 1971 का, इतनी पुरानी पुरानी इंडिया तक की कलेक्शन है। अभी और भी देखें आप, अभी आप लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान के हैं 1973 का, और इसके ऊपर ना हिंदी भी लिखी हुई है जो इंडिया की जबान है वो, और ये है 5 पैसा, और ये मेरे पास एक जैसे इतने सारे हैं, मैं खुद हैरत करता हूँ ये इतने सारे आए कहाँ से होंगे एक जैसे, और हैं भी सारे पुराने पुराने, कोई ये नहीं कि नए हों तो हमने इतने सारे जमा कर लिए, ये तो इतने पुराने कि जब मेरे बाबा भी ना होंगे। ये देखें ये है 1965, यानी जब 1965 की जब जंग वगैरह हुई होगी तब भी होगा ये वाला सिक्का, ये तो रेयर है एक तरह से। आप जो कॉइन्स देख रहे हैं वो ये मिक्स हैं, और ये इसमें हैं ओवरसीज कंट्रीज़ के, यानी लंदन, जापान, शिकागो, चाइना और नेपाल, और इसके अंदर है ब्रिटिश के बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये पहले, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये एंटिक सा एक कॉइन है, और इसका जो वेट है वो है 6.8 ग्राम, और ये है इटली का, इटली का है 500 लायर, और ये बना था 1982 में, और ये 2001 तक चला, और 2001 के बाद बंद हो गया उधर, और इसका जो राउंड है ये रिंग जो आप देख सकते हैं, ये अलग मेटल की है और ये एक अलग मेटल की है, देख सकते हैं इसको ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो भी इसको देखें पढ़ सकते हैं, इसके अंदर देख रहे हैं आप ये डॉट डॉट्स जो बने हुए, ये देखें ये इसको ब्लाइंड लोग छू के ही पढ़ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये है 5 फ्रांसिस, फ्रांस का है आई थिंक ये, और 1966 का, और देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, और बिल्कुल मेरे पास ना ये न्यू कंडीशन में, जैसे बिल्कुल ना चला ना हो, ये मेरे पास ही हो जैसे, ऐसा है ये देखें कितना प्यारा है। और जो अब आप कॉइन देख रहे हैं ये है आई थिंक ब्रिटिश है, और इसके ऊपर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो है प्रिंसेस एलिजाबेथ की, और ये 1979 का है कॉइन, और ये है न्यू पेनीस है, ये 10 पेनीस, ये अभी भी वहाँ पे मैंने देखा था एक वीडियो में, पेनीस चलते हैं उधर, ये देख सकते हैं कितना अच्छा है इसके ऊपर जो इसकी जो डायग्राम है कितनी प्यारी बनी हुई है इसके ऊपर पिक्चर। और कॉइन अब आप देख रहे हैं ये है लिबर्टी, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ये देखें ये 1982 का है, और ये दो कॉइन अलग अलग नहीं है, ये जो जिसपे एक मैन की जो वो पिक्चर बनी हुई है ये इसका फ्रंट है, और ये जो है ये जो आप देख सकते हैं कोई इमारत बनी हुई आई थिंक, ये देखें ये बैक है इसका, जो देख रहे हैं ये 1 यूरो, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये है 2002 का, और ये आई थिंक जर्मनी का है शायद, जर्मनी का ही है शायद ये ना। जो कॉइन अभी आप देख रहे हैं इतनी अच्छी कंडीशन में, ये बंगाल का है, ये देखें टाइगर की इसके पिक्चर वगैरह भी बनी हुई है, ये देखें कॉइन अभी आप देख रहे हैं ये है अरब का है, ये दुबई वगैरह का है अरब का, और ये है 10 फ्लॉस। इसी तरह से हर कॉइन अपनी एक अलहदा स्टोरी रखता है, ये देखें ये है 1963 का, ये है इंडिया का, बर्मा का है, और पता नहीं कौन कौन से ममालिक के हैं,
बहुत सारे ममालिक थे उसमें से कॉइन्स हैं, लेकिन ये देखें ट्वेंटी सेंट्स है, ये 1997 के इंडिया के हैं, ये देखें ये आई थिंक मुझे चाइना वगैरह या जापान का लग रहा है, 1999 का है ये देखें, वन पैनी, इसके ऊपर भी एलिजाबेथ की पिक्चर बनी है, 2008 का है ये तो नया है खैर। और हर वैसे मैंने पहले भी कहा कि हर जो एक कॉइन है वो अपनी अलग-अलग स्टोरी रखता है, ये देखें ये है ईरान का, ये है 50 रियाल 50 रियाल, ये देखें ये जो आपको कॉइन टाइप लग रही है ये कॉइन्स नहीं है एक्चुअली, ये हैं टोकन्स टेलीफोन एक्सचेंज के, पहले पाकिस्तान में चलते थे ये है, जैसे ये वाला मैं आपको दिखाऊं सबसे फर्स्ट 1973 का है, ये 1982 का है, और ये 1977 का, और ये देखें 1942 का है ये, और इसके आप शेप देखें कितनी एंटीक है, और ये देखें 1948 का है ये वाला, जब कायदे आजम की वफ़ात हुई थी, ये भी काफ़ी रियर है एक तरह से, बहुत ही पुराना हो चुका है, ये देखें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके पेश खिदमत, और इसमें मैंने आपको कॉइन्स दिखाया अपने, और शायद ये किसी के पास हो इतने सारे इतनी क्वांटिटी में, लेकिन ये मेरे दादा ने मेरे को दिए हैं। इसमें मेरे कुछ कॉइन्स थे जो मैं अपने स्कूल से खरीदता था, मैंने अपने दादा के पास जमा करवाता था, उन्होंने अब मेरे को गिफ्ट में दे दिए, क्योंकि मैं इनको संभालने के काबिल हो चुका हूँ, और मैं इनकी अच्छे से ख्याल रखता हूँ, इनका साफ़ सुथरा इनको करके रखता रहता हूँ। अभी जो आपने बॉक्सेस देखे इनको इग्नोर करिएगा, ये अभी ख़राब हो चुका है, पहले ये सही थे, लेकिन अब मैं इनके लिए वुडन के बॉक्सेस बनवाऊँगा इनके लिए, सबके लिए अलग अलग, तो मैं उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊँगा। और मेरे पास नोट भी है पुराने ज़माने के, इसमें बाहर के भी हैं, और इंडिया वगैरह का भी है, दुबई का है, और पाकिस्तान के पुराने पुराने, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी, और इसमें इतना सारा है कुछ सीखने के लिए और कुछ बताने के लिए कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो चलें, थैंक यू, उम्मीद है पसंद आई होगी, अल्लाह हाफिज़।